ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम शैल पुत्री देव्यै नमो नमः। ओम शैल पुत्री देव्यै नमो नमः। बोलिए शैल पुत्री मैया की जय। भक्तजनों, नवरात्रि के पहले दिवस माँ शैल पुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैल पुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैल पुत्री पड़ा। माँ शैल पुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूजे हाथ में कमल रहता है। माँ शैल पुत्री वृषभ पर विराजमान रहती हैं। माँ शैल पुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैल पुत्री का नवरात्रि के पहले दिवस विधि पूर्वक पूजन करने से भक्तजनों को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए भक्तों, नवरात्र के पहले पावन दिवस पर सुनते हैं मैया शैल पुत्री की पावन संगीतमय कथा। भवानी अम्बे मैया जन कल्याणी भक्तों का कल्याण हो करती भक्तजनों। ऐसा माना जाता है कि जिसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब हो, उन्हें माँ शैल पुत्री का पूजन करना चाहिए। मैया के विधिवत पूजन करने से भक्तों का बिगड़ा हुआ मंगल सुधर जाता है। भक्तजनों, मैया शैल पुत्री को श्वेत रंग अत्यंत हितकर है, इसीलिए इनकी पूजा में श्वेत फल, श्वेत फूल और श्वेत मिष्ठान चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को अमोघ फल प्राप्त होते हैं। कुमारी कन्याओं को इस व्रत को करने से अच्छा वर प्राप्त होता है। माँ शैल पुत्री का पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो आइए भक्तों, नवरात्र के प्रथम दिन पूरे मन से मैया की आराधना करते हैं। ओ मंगल करती अमंगल हरती, मन की मुरादें पूर्ण करती। पुत्री की कृपा पाओ। मन से जपो मैया का नाम, शैल पुत्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, आज हम जिन माता को शैल पुत्री के नाम से पूज रहे हैं, यही शैल पुत्री माता
पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती थी। इनकी कथा जो वेद पुराणों में वर्णित है, आइए आपको सुनाता हूँ। एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि भगवान शिव को दक्ष प्रजापति बिल्कुल नहीं भाते थे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि उनकी पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करे, परंतु माता सती ने तो बचपन से ही भगवान शिव को अपना मान लिया था और उन्हीं से विवाह किया। परंतु जब नारद जी से माता सती को पिता द्वारा रचाए गए यज्ञ के बारे में पता चला, तो वो शिव जी से हट करके यज्ञ में पहुंच गई। परंतु वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ और माता सती का बहुत अपमान किया, जिसे न सहने के कारण माता यज्ञ अग्नि में कूद गई और अपने प्राणों का अंत कर लिया। अपमान वो सह नहीं पाए, अग्नि में कर लिया स्नान, शैल पुत्री मां तुम्हें प्रणाम। ओ शिव ने यज्ञ विध्वंस कराया, के शीश को काट गिराया। यज्ञ का नाम ही नाम निशान, शैल पुत्री मां तुम्हें प्रणाम। पूर्व जन्म की सती मैया पुनर्जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री इस जन्म में भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। बालापन से ही भगवान शिव को अपने मन में स्थान दिए हुए थी। मिट्टी के शिवजी बनाती और उन्हीं मूर्तियों के साथ खेला करती। जब थोड़ी बड़ी हुई, तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि यदि आपको शिव जी का वरण करना है, तो आपको भगवान शिव की घनघोर तपस्या करनी होगी। तब माता शैलपुत्री ने शिव जी को पाने हेतु घनघोर तप करने की ठानी, क्योंकि उनके मन में तो भगवान भोले शंकर ही बसे हुए थे। जन्म जन्म का साथ पुराना, शिव को अपना स्वामी माना। पुत्री माँ माया रचाई, शिव से ब्याह का प्रण लिया था, शैल पुत्री माँ तुम्हें प्रणाम। तो आइए भक्तों, नवरात्र की पहली दुर्गा स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजन विधि आपको बताता हूँ। नवरात्रि के पहले दिवस
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए भक्तों। इसके बाद माता की चौकी को गंगा जल से साफ करके माता की प्रतिमा इस पर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करें और माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, व्रत का भी संकल्प लें भक्तों। इसके बाद मैया रानी को रोली चावल लगाएं और श्वेत पुष्प माँ के चरणों में चढ़ाएं, फिर श्वेत वस्त्र मैया को समर्पित करें, माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी से माँ की अखंड ज्योत जगाएं। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जयकारों के साथ पूजन संपन्न करें और मैया को भोग समर्पित करें। यही प्रक्रिया सायंकाल को भी निभाएं। ऐसा करने से आपको माँ शैलपुत्री की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। चढ़ाओ बीज मंत्र मैया का गाओ, चंदन का इन्हें तिलक लगाएं।